वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्जम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
ईश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे साए तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तुला लाज बिन प्राण नरक बदलते देखा है उन लकीरों को जो हाथ तेरे दर पे जुड़े संवरते देखा है उन तकदीरों को जो सर तेरे दर झुके जय जय जी साईनाथ पतित पावन कृपावंत तुझा पदी ठेविलो माथा आता भय हसुदे इस अनूठी सृष्टि में व्याप्त समस्त शक्तियों जिनमें परम ब्रह्म
देवता, देवियां, माता पिता, रिश्तेदार, अपने सारे रिश्तेदार, नातेदार, बंधु, दोस्त, हमारे साईं, हम सभी का आह्वान कर चुके हैं। साईं का विशिष्ट स्वरूप उनके जयकारे में समाया हुआ है। उस जयकारे के बिना साईं की कल्पना करना मुश्किल है। आइए हम सब मिलकर के बाबा का वो जयकारा लगाते हैं, क्योंकि साई यहां पर कथाकर्ता के रूप में मेरे हृदय में और श्रोतागण के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। सच कहें तो कथा वही कहेंगे और कथा वही सुनेंगे। मैं और आप, हम सब सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ सभी को साईं राम बाबा का आशीर्वाद पहुंचे। आज कथा विराम ले रही है और आपके अंदर बाबा इस कथा के जरिए आपके कानों से उतर जाएं। साईं हमेशा हरदम हमारे पास हैं। आवाज लगाने की देर है और उनकी कुछ छोटी मोटी शर्तों को मानना पड़ता है। साई ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी श्रद्धा सबूरी सदा साथ रखना श्रद्धा सबूरी सदा साथ रखना कर न कभी न धन का गुरूर जी कर न कभी न धन का गुरूर जी सेवा के जो सच्चे पथ पे है चलते
देखे न कभी किसी ने हाथ मलते। सेवा के जो सच्चे पथ पे हैं चलते, देखे न कभी किसी ने हाथ मलते। अंग संग साई सदा साथ उनके, अंग संग साई सदा साथ उनके। साई की कृपा से फूलते हैं फलते, साई की कृपा से फूलते हैं फलते। साई राम साई राम, साई जपिए साई राम साई राम, साई जपिए। साई राम साई राम, साई जपिए साई राम साई राम, साई जपिए। चलिए साई का नाम जपते हैं साथ में। बाबा को पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब उनका नाम दिल से जप लिया जाए, और जब दिल से जपते हैं तो हम खामोश रहते हैं। याद रखिए, जब हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने विचारों को आवाज का साथ दे करके शब्दों का जामा पहना देते हैं, तब साईं हमारी सुन रहा होता है। और जब हम बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठते हैं और अपनी जुबान को कुछ देर आराम देते हैं, उस वक्त हम साईं की सुन रहे होते हैं। अपनी साईं को सुनाना ज्यादा जरूरी है या साईं की सुनना ज्यादा जरूरी है? या जब कथा आप अपने साथ घर लेकर के जाएंगे तो इस कथा की बची हुई यादें आपको जरूर बताएंगी कि आपको कब अपनी साईं को सुनानी है और कब साईं की सुननी है। जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का बिगड़े काम मनवा, जप ले
चांद सितारे पंछी नदियां ताल समंदर साई के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर साई के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर ये धरती ये अंबर साई के नाम से दिन उगता है साई के नाम से दिन उगता है नाम से ढलती शाम मनवा जपले साई का नाम जपले साई का नाम मनवा जपले साई का नाम
श्री साई अमृत कथा जनवरी 2016 कथा का विश्राम का दिन बहुत पावन दिन है। हमारी इस कथा का आधार है दाभोलकर जी द्वारा रचित श्री साई सच्चरित्र। आज उस व्यक्ति की जयंती है, प्रकाश पर्व है, जिसने एक और अद्भुत ग्रंथ रचा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु, उनका आज प्रकाश पर्व है। बहुत ही हिम्मतवान, बहुत ही दयावान, बहुत ही कर्मठ, धार्मिक प्रवृत्ति के गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो यह कहा जाता है कि 1,25,000 से एक लड़ावा तब मैं गोविंद सिंह कहलावा। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर उसको सिखों का 11वां और अंतिम गुरु कहा। तो ग्रंथ हमारा आधार, एक और ग्रंथ के रचयिता का प्रकाश पर्व। मालिक से दुआ है, प्रार्थना है कि ये प्रकाश पर्व आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश भर दे। उस प्रकाश के आगे आपकी सारी समस्याएं धूमिल हो जाएं, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए आपको एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कर्मों का चयन बहुत विचार से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के कर्म नहीं होता है तब तक के आप उसके मालिक हैं। लेकिन एक बार अगर कर्म हो गया तो वो आपका मालिक बन जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल भुगतना पड़ता है और बुरे कर्म का बुरा फल भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 बुरे कर्म कर दिए और 4 अच्छे कर्म उसके बाद कर दिए तो वो नलीफाई हो जाएंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जीवन में डेबिट साइड का हिसाब अलग से चलता है और क्रेडिट साइड का हिसाब अलग से चलता है। बहुत अद्भुत काज है ऊपर वाले का, परमपिता परमात्मा का। और मजे की बात है कि हम अपने किए हुए बुरे कर्मों का जब फल भुगतते हैं तो दोष ऊपर वाले को बढ़ते हैं कि पता नहीं कैसा नसीब लिखा है उसने आपका। दरअसल में जो कि बात कही गई है कि आप अपने नसीब के रचयिता स्वयं हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है।
बिल्कुल सही बात है, अक्षरशः सही बात है। सवाल ये उठता है कि आपको ये याद नहीं रहता है कि आपने कौन सा कर्म कब किया था। उत्तरायण का इंतजार करते करते पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है। जहां तक मुझे याद है हे कृष्ण, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे इसका ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है। तब कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए, उनकी ट्रेडमार्क मुस्कान दिखाते हुए कहा कि हे भीष्म, तू नहीं देख सकता है लेकिन 100 जन्मों पहले तूने एक तितली को पकड़ने के लिए उस हाथ बढ़ाया था और वो तितली कांटों में उलझ करके मर गई थी, इसलिए तुझे वो कांटे आज बाण के समान चुभ रहे हैं। जाहिर बात है हम लोगों को भी अपने पिछले किसी जन्म का याद नहीं रहता कि हम लोग क्या करके आए हैं, लेकिन ऊपर वाले की लेखनी जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, आपके कर्मों का हिसाब किताब रखती है। पिछले जन्मों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो भोगना है सो भोगना है। इस जन्म में जो हो चुका है उसको आप अनडन नहीं कर सकते, यानी आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, आपको उसको भोगना तो पड़ेगा। जो आज और अभी के बाद का हिस्सा बचा है हमारे जीवन का, क्यों ना उसको सुधार ले, क्यों ना उसके बारे में कोई ऐसी अच्छी रचना कर ले जिससे आगे आने वाले जन्मों में हमको अच्छे दिनों का सामना करना पड़े। साईं बाबा जो हैं वो कर्मों की गति में बहुत यकीन रखते थे। उनका यह मानना था कि जिसके जो कर्म हैं उसको वो भोगने हैं। ये कथा में हर बार उद्धत होता हूं सुनाने के लिए। एक सेठ थे नारायण गांव के, भीमा जी पाटिल। उनको क्षय रोग हो गया था, खून की उल्टियां करते थे। उनका रोग ठीक नहीं हो रहा था, लोगों ने अलग अलग किस्म की बहुत दवाएं सुझाई और सब ने उन पे कोई ना कोई दाव जरूर आजमाया। हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उनका मर्ज बढ़ता जा रहा था, जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अंतिम उपाय के रूप में उनको बाबा के पास लाया गया। बाबा ने कहा छोड़ो इन सब झंझटों में मैं नहीं पड़ता, ये इसके कर्म की भोगना है, इसको ये कर्म इसको भोगना है, इसको भोग लेना दो, नहीं तो इसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों को फिर से भोगने के लिए। लेकिन बाबा जो है वो ऐसा कहते जरूर थे लेकिन बाद में पसीज जाते थे। वो पसीज गए और उन्होंने भीमा जी पाटिल को चावड़ी के पास भीमाबाई की कोठरी में रहने भेज दिया। भीमाबाई निहायत ही दरिद्र महिला थी और उनकी कोठरी कतई ऐसी जगह नहीं थी जो भीमा जी पाटिल के रहने के लिए उपयुक्त हो। लेकिन भीमा जी पाटिल के पास और कोई चारा नहीं था, शायद बाबा को उनका यही इलाज मंजूर था। भीमा जी पाटिल को एक रात स्वप्न आया कि वो क्लासरूम में बैठे हैं और उन्हें किसी मास्टर ने बहुत जोर जोर से संटी मारना, लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया है। वो दर्द से कराहने लगे, उनकी आंख खुल गई, पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने इस स्वप्न को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। एक दिन फिर उन्हें दोबारा स्वप्न आया,
कि किसी ने उनकी छाती पर बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है और वो उस पत्थर को बहुत जोर जोर से घुमा रहा है, इतना तेजी से घुमा रहा है, इतना जोर उस पर डाल रहा है कि भीमा जी पाटिल उस पत्थर के दर्द के मारे, बोझ के मारे चिल्ला उठे। उनकी आंख फिर खुल गई थी, लेकिन आंख खुलने के साथ साथ स्वप्नों में पाई हुई इन सजाओं के जरिए बाबा ने उनके कर्म काट दिए थे, उनका रोग ठीक हो गया था। ऐसा होता है, सदगुरु की शरण में जब आप जाते हैं तो आपके भाव बदलने लगते हैं, जब आपके भाव बदलने लगते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आता है। तो आपके कर्म तदनुसार होने लगते हैं, वैसे ही होने लगते हैं। सदगुरु की शरण में जाने से भावों का स्वरूप बदल जाता है। अभी कल परसों ही कहीं एक आया था, अगर मुझे याद हो तो मैं उसको दोबारा बताना चाहूंगा कि भाग लिखी मिटे नहीं, भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, और जो मेहर हो सदगुरु की तो लगे लेख पर मेख। मेख होती है कील, तो यानी सदगुरु की मेहर हो जाए तो लेख पर भी मेख लग जाती है। तो आपके जो कर्म हैं आपको भोगने तो हैं, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा बन जाएगा कि आपको तकलीफ कम से कम हो। सदगुरु साईनाथ के जो चरण हैं वो आपको पापों से दूर कर देते हैं। आप डर के मारे बुरे कर्म नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। आप प्रेम के मारे, आपके मन में करुणा विवेक जागृत हो जाता है, जिसके कारण आप गलत सोचना समझना बदल देते हो। आप वही हैं जैसे सूरज वही है, लेकिन उत्तरायण में पृथ्वी का कोण थोड़ा सा बदल जाता है अपनी धुरी पर घूमने का, वैसे ही आपका कोण बदल जाता है चीजों को सोचने का, चीजों को देखने का, और आप सुधर जाते हैं। वैसा ही एक और किस्सा आता है डॉक्टर पिल्लई का। डॉक्टर पिल्लई खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे अपने पेशे से। उनके पैर में नासूर हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे, और उन कीड़ों के चलते पिल्लई साहब को बहुत तकलीफ होती थी, दर्द से चिल्लाते रहते दिन भर। रहते शिरडी में ही थे, उन्होंने अपनी सब सारी दवाइयां इस्तेमाल करके देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर पिल्लई को बाबा के पास लाया गया कि बाबा मैंने आप ठीक कर दीजिए। शिरडी वासियों के तो कुल मिलाकर के एक साईं, साईं देवा, फर्ज करिए हम और आप भी जो हैं वो शिरडी वासी हैं और हम सबके भी एक ही हैं, साईं देवा और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा छोड़ यार इसको, हटो, मैं इसके कर्मों का फल है, इसको भोगने दो। अब देखिए डॉक्टर पिल्लई जो कि पढ़े लिखे थे, उनके दिमाग में आया कि बाबा से थोड़ी सी मैं डील कर लूं। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसा कुछ कर दीजिए कि मुझे अपने इन कर्मों का फल जो है वो अगले 10 जन्मों में थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके मिल जाए, तो मुझे इतना भोगना ना पड़े उनको, अभी मैं छूट जाऊं। अब डॉक्टर पिल्ले ने सोचा, हम भी सोचते हैं यार अभी तो आज जियो, तो आज सुकून से जियो, कल की कल सोचेंगे अगले जन्म में उनको कब होश रहेगा कि क्या कर्म थे और क्या फल थे। बाबा ने कहा बेवकूफ, जो दर्द तेरा 10 दिन में ठीक हो जाने वाला है, जो कर्म तेरे 10 दिन में कट जाने वाले हैं। बाबा ऐसी खड़ी जुबान में बात किया करते थे,
आपको लगेगा कि साईं अपशब्द बोलते थे, कहीं लिखा हुआ है इसमें। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, एकदम आग बबूला हो जाते थे। कई ऐसे किस्से आते हैं सच्चरित्र में कि साईं का गुस्सा, लेकिन साईं का गुस्सा किसी पे भड़ास निकालने के लिए नहीं होता था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि डॉक्टर पिल्लई का गुस्सा उन्होंने भीमा जी पाटिल पर उतार दिया। वो गुस्सा होते थे अपने भक्तों को सही राह दिखाने के लिए। और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80 वर्ष तक जिए, और तब तक उनके कोई भी अंग बाबा के डायबिटीज के कारण सड़े नहीं थे, और उनको बीपी के कारण ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ। तो इसका हम निष्कर्ष ये आसानी से निकाल सकते हैं कि साईं बाबा को स्ट्रेस के कारण होने वाली, उस गुस्से के स्ट्रेस के कारण होने वाली डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारियां नहीं थी। इसका मतलब है कि उनका गुस्सा जो था वो सतही रूप से रहता था, एक समंदर के समान, जिसमें लहरें ऊपर ऊपर होती हैं लेकिन नीचे अथाह शांति होती है। हम कोशिश करें कि हम अपने गुस्सों का स्वरूप भी वैसा ही करें, कोशिश करें, गुस्सा करें, कारण से करें, और उस कारण को निकल जाने के बाद गुस्से को भूल जाएं। गुस्से को गांठ से बांध के रखेंगे तो वही तकलीफ होगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो बाबा ने डॉक्टर पिल्लई से कहा, इसको ले जा यार, तू देख मेरी बात सुन, तेरे 10 दिन में कर्म कट जाने वाले हैं, उसके लिए तू 10 जन्मों तक उलझने की बात ना कर। 10 दिन में एक काला कौवा आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा का सेवक अब्दुल, नांदेड़ का रहने वाला जो था, वो बाबा के पास आके बस गया था। उसके गुरु इस्लाम पुरकर साहब की को स्वप्न में जब बाबा का आदेश हुआ था तो उन्होंने अब्दुल को साईं की शरण में भेज दिया था। और जैसे ही जिस दिन अब्दुल ने मस्जिद में पैर रखा था तो बाबा ने उसको देखते ही कह दिया था, माला काबला आला, यानी मेरा कौवा आ गया। खाबड़े साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो बोलिए साईनाथ महाराज की। कहीं ना कहीं हम में से भी बाबा को ही काला कौवा होगा, पक्की बात है, द ब्लैक क्रो। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं बाबा की मस्जिद में, हमारे अब्दुल भाई जो है वो झाड़ू लगा रहे थे, और झाड़ू लगाने वाला अक्सर जो है वो जहां से झाड़ू लगाता है उस तरफ मुंह रखता है, और जो हिस्सा गंदा है उस पर पीठ रहती है उसकी। तो वहां पे हमारे दूसरे मित्र बैठे हुए थे, डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई। अब्दुल को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने झाड़ू लगाते 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 उनके नासूर पे पैर रख दिया। डॉक्टर पिल्लई दर से चिल्ला उठे, उनका नासूर फट गया था, उसमें से कीड़े बाहर निकल गए थे, उनको सुकून हो गया था, उनको आराम हो गया था। बाबा का काला कौवा आया था और उसके पैर पे, नासूर पे पैर रख दिया, और पिल्लई साहब का नासूर ठीक हो गया था। लोगों ने जब उनसे पूछा कि बाबा अब 10 दिन तो हो गए, काला कौवा कब आएगा, बोले अब्दुल ही तो मेरा काला कौवा था, आया, उसने चोंच मारी और नासूर ठीक। और बोले वो उसको देखो, पिल्लई को कितने प्यार से गा रहा है। और ये पंक्तियां सच्चरित्र में दी हुई हैं, किस किस को याद है, मेरे साथ कौन कौन गाएंगे इसको? सच्चरित्र कितने लोगों ने पढ़ा है आप लोगों में से, क्या पंक्तियां हैं? करम कर मेरे हा पर तू करी, 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 तेरा नाम
सुल्तान है। जहां मैं नुमाया तेरी शान है, जहां मैं नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है, मददगार मददगार है, मददगार मददगार है। साई 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 दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे साई के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साई के दरबार में सब लोगों का खाता। संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी हो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी, साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा, हा 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 हा, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का के दरबार में सब लोगों का खाता। चले नहीं चालाकी, चले ना उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। मेरे साई की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, मेरे साई की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, हा 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 हा, समझदार तो चुप ही रहता मूर्ख शोर मचाता, मेरे साई के दरबार में सब लोगों का खाता, के दरबार में सब लोगों का खाता।
कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली गर्मी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में हम लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में हम सब का है खाता। आगे से आप एक चींटी को भी मारिए तो बहुत सोच समझ के मारिएगा। कोशिश करिए कि आपके जानते हुए कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे किसी को दुख तकलीफ हो जाए। कोई परेशानी में हो उसकी मदद कर दें, आपके प्लस पॉइंट बढ़ेंगे। क्या है, धर्म जो है वो पोस्टपेड कार्ड की तरह है। आप आज करेंगे तो उसका फायदा बाद में मिलेगा, लेकिन कर्म जो है वो प्रीपेड कार्ड की तरह है। आप लेकर के आए हैं वो सारी चीज अपने साथ, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। कर्मों के साथ साथ साईं जन्मों के बंधन में भी बड़ा यकीन रखते थे। साईं अक्सर लोगों से कहते, श्यामा से कहते कि श्यामा तेरा मेरा 72 जन्मों का साथ है। श्यामा एक स्कूल मास्टर थे जो माधवराव देशपांडे, उनको बाबा में इतनी प्रीति हुई कि सब कुछ छोड़कर के बाबा की शरण में आ गए। जैसे शिवालय के बाहर नंदी लगा होता है और हम नंदी को सलाम करके अंदर जाते हैं, वैसे ही शिरडी में था कि लोग पहले श्यामा से मिलते और फिर बाबा तक पहुंचते। दोस्ती यारी का भाव था दोनों में। वैसे ही नाना साहब चांदोरकर जो कि कोपर गांव कलेक्टर के पीए थे, उनको बाबा ने अपने पास कहलवा भेजा। जब वो कई बार भी कहलवाने पर नहीं आए तो बाबा ने एक युक्ति करी। कलेक्टर ने एक आदेश निकाला कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरकार ने हैजे का एक नया टीका निकाला है जिसको लगाना सभी सरकारी अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है। अब नाना साहब चांदोरकर को वो टीका लगवाना जरूरी था। अब नया टीका था, उसका असर क्या हो क्या नहीं, नाना साहब की तो गिग्गी बन गई। तो उन्होंने कहा चलो यार, अब ये फकीर बुला रहा है, इन्हीं से जाके पूछते हैं कि क्या करना है। तो जब नाना साहब चांदोरकर मिलने आए तो उनसे कहा कि नाना तेरा मेरा 3 जन्मों का नाता है, तो मैं टीका लगवा लूं। मैंने कहा बिल्कुल टीका लगवा। नाना साहब ने टीका लगवाया और उनके मातहतों ने भी नाना साहब की देखा देखी टीका लगवा लिया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। खापरडे साहब की पत्नी के बारे में बात आती है, जब वो खाना लेकर के मस्जिद में गईं, दादा साहब खापरडे, उनके प्रपौत्र यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। हम परम भाग्यशाली हैं कि हमारी कथा खापरडे साहब के वंशज यहाँ सुन रहे हैं। नागपुर में बापू साहब बूटी के वंशज, उनके पौत्र सुभाष बूटी साहब कथा में तीनों दिन हाजिर रहे और पूरे 3-3 घंटे लगातार बैठे। खापरडे साहब की पत्नी एक दिन थाली सजा करके बाबा के लिए लेकर के गई, तब तक मस्जिद के पर्दे गिर चुके थे, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो महिला अंदर लेकर के गई और बाबा ने बड़े चाव से उसका खाना खाया।
तो श्यामा ने तब कटाक्ष भी किया, बाबा हमारी लाई हुई चीजें तो घंटों पड़ी रहती है लेकिन तुमने इस माई के हाथों से बना हुआ खाना तुरंत खा लिया। बाबा ने कहा कि ये बहुत जन्मों पहले एक सौदागर के यहाँ मोटी गाय हुआ करती थी, इसके बाद इसने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इस तरह अलग अलग जन्म बताए और इसका मेरा इतना पुराना नाता। हमारे दर्शन में सिद्धांत में माना गया है कि हम लोग अपना शरीर बदल लेते हैं, हमारी आत्मा वही की वही रहती है, और जिस हिसाब से हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारा हिसाब किताब बन जाता है। अगर किसी ने यहां बैठे हुए हरीश ललवानी जी से 300 रुपए ले लिए हैं और वो उसको जिंदगी भर नहीं लौटाता है तो उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा और हरीश भाई को 300 रुपए लौटाने आना पड़ेगा। हो सकता है उसको कंपाउंडिंग करके लौटाने आना पड़े। तो ये सब ऋणानुबंध है, इसलिए आपको आप ऋणानुबंध के चलते, कर्मों के बंधन के चलते आप पुनर्जन्म लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगवान क्यों बार बार जन्म लेते हैं, अलग अलग अवतारों के रूप में क्यों जन्म लेते हैं। इंसान कर्मों के बंधन में जन्म लेता है, भगवान करुणा का भाव लेकर के अवतार लेते हैं। उनको जब यह लगता है कि मेरे किसी भक्त पर दिक्कत है, परेशानी है, मुझे इस धरती पर आकर के धर्म की रक्षा करनी है, तो वो उस करुणा भाव से अलग अलग समय पर अवतार लेकर के आते हैं। आपका और मेरा अवतार नहीं है, आपका और मेरा जन्म है। कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस, पैगंबर हजरत मोहम्मद, साई, ये सब अवतार हैं, ये ऊपर वाले के दूत हैं, मैसेंजर हैं। ये सिखाने आते हैं हमको कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। तो अब जब जन्म होता ही है तो कहीं ना कहीं हर जन्म में हमको कोई ना कोई परमात्मा चाहिए होता है, कोई इष्ट चाहिए होता है, कोई सदगुरु चाहिए होता है। मैं शर्त यह कह सकता हूं हमारे आपका तो बाबा से कई जन्मों का नाता है, वरना बाबा हमको और आपको इस तरह अपनी ओर ना खींचते हैं।